हाय एवरीवन, मैं आई हुई हूँ स्लाम एरिया है और मैं आपको ये बताऊं कि आज यहाँ पर बहुत बारिश हो रही है। सीरियसली इतना अच्छा मौसम हो रहा है और आप देखिए मेरी पिक्चर कितनी क्लियर आ रही है। सो इट यूजली हैपेंस कि जब भी मैं इस एरिया में आती हूँ इस्लामाबाद में, तो मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगता है कि बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पर जो है रौनक भी होती है। और ये जिना सुपर है जहाँ मैं आई हुई हूँ, F7 मरकज, और काफ़ी यहाँ पर खाना पीना चीज़ें शॉपिंग बहुत कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। और मौसम तो बेहतरीन हो रहा है, ठंडा भी हो रहा है। ये देखें, अप्रैल का एंड है, क्योंकि एंड नहीं, आज 18 तारीख है और 18 तारीख को ये देखिएगा मैंने जैकेट पहन के बाहर, थोड़ी ठंड ठंड महसूस हो रही है। हिले शिले बड़े लगे होते हैं, तो मुझे इधर नज़र आया ये शूज़ वूज़ का, बड़े मज़ेदार शूज़ होते हैं यहाँ पर। और राइट, वन ऑफ माई वेरी वेरी फेवरेट प्लेस दैट इज़ जूस लैंड। और जूस लैंड में मैं जब भी आती हूँ कुछ ना कुछ ज़रूर खाती हूँ यहाँ से आकर। मुझे मेरा यहाँ पर फेवरेट जो है ना खाना लगता है, जिसमें चना चाट भी है और मैं आपको दिखाती रहती हूँ, फ्रूट चाट भी है। ये देखिएगा, अच्छा इनकी सबसे खास बात ये कि इनका सारा खाना जो है ना, जो भी यहाँ से आप खाएँगे, चाहे आप वो ले क्या कहते हैं इसको जूस वगैरह, एवरीथिंग इज़ सो नीट एंड क्लीन। कभी इनका किचन भी आपको मैं दिखाऊँगी, इट्स वेरी नाइस। F7 में यहाँ पर आप ये देखिएगा कि बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर कॉफ़ी भी है और आइसक्रीम भी है ना भाई। आपकी शॉप का नाम क्या है? मूसा आइसक्रीम से आके आपने जो है, आई लव इनके जो यहाँ पर ये वाले हैं ना, ये डार्क कलर के सच नाइस कोन का जो लोअर पार्ट होता है, सो गुड। साथ यहाँ पर सूप भी बड़ा अच्छा होता है, एक लिमका तो बहुत ही मज़ेदार है। तुम बना रहे हो वीडियो भाई हैं, एक तो आप लोग माशाल्लाह से खूबरू भाई हैं, खूबसूरत है, कहाँ के रहने वाले हैं इतने खूबसूरत इंसान? कश्मीर से। देखिए कश्मीर की खूबसूरती यहाँ पर भी आई है। कहाँ पर है कश्मीर से? नीलम वैली। हमने बड़ा प्लान किया हुआ है, कश्मीर हम जाएंगे, हम लोग अभी अपनी वहाँ जाके भी व्लॉगिंग करनी है। अच्छा, ये आपका जो लिमका है इसमें क्या क्या ऐड करते हैं आप लोग? मार्गरीटा, लैम्प, लिमका थोड़ा ऊँचा बोलना होगा वो। अच्छा अच्छा, ये मिंट मार्गरीटा और लिमका में क्या फ़र्क होता है? लिमका में तो बोतल चलती है, काला नमक चलता है, बोतल चलती है, काला नमक चलता है। अच्छा, और जो मेन मार्केट है उसमें पुदीना डलता है। ओह, तो दोनों ही जो है वो इंटरेस्टिंग है। आपका नाम? मेरा नाम साकिब। साकिब टू गुरु हैंडसम भाई, थैंक यू सो मच। और आगे यहाँ पे पानी हर जगह पर हुआ था, अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको नज़र भी आएगा, बट इट्स सो नाइस, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था। थोड़ा सा पानी की तरफ जाते हैं, यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज भी होते हैं ना। आई हर्ड कि वो जो फ्रेंच फ्राइज है ना, वो बेसिकली इनकी एक अफगानी एक होती है सॉस, वो उसके साथ देते हैं और वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग जो है ना वो सॉस होती है, मैं वो भी देखी। और यहाँ पर ज़्यादातर अभी जो है ना, आप देखिएगा कि लिमका वाले भी बहुत सारे हैं और यहाँ पर आइसक्रीम वाले भी हैं, सो यू रियली हैव लाइक लॉट्स ऑफ चॉइस फॉर दैट। सच लवली शवरमा, ऐसा लग रहा है बहुत ही मज़ेदार शवरमा है ये। मैंने आपके, अच्छा ये बताएं कि ये शवरमा कैसा शवरमा है? ये लवली टेस्ट है। आपकी अपनी रेसिपी है? नहीं, हाँ अपनी रेसिपी, और इसमें दो तीन फ्लेवर भी है। मैं वैसे तो मैं सोफिया रखू भी रहा हूँ, कराची 27 साल में कराची में काम, भादराबाद वाले यहाँ पे अच्छा काम चला रहे थे वैसे इस्लामाबाद से। अच्छा, ये कुछ एक सीक्रेट सॉस है। और कितने का ये? 300 का, 300 का एक रोल जो होता है, और प्लेटर भी है। सही, और आपके किस नाम से शॉप है? ये वन वे शॉप है। चले मैं दिखा भी देना, ये देखिएगा वन वे, बस आपने बाद कराची वाले जो आपको शर्मा यहाँ मिलेगा इस्लामाबाद। F7 बेटर कम हो गई है एंड यू विल रियली लाइक एंड यू विल एंजॉय दिस। मुझे फ्रेंच फ्राइज वाला भाई मिल जाए ना ज़रा, तो मैं ज़रा ये देखिएगा लेमन सोडा यहाँ पर भी मिल रहा है। आपका भी भाई का भी भाई, इतने सारे माशाल्लाह आप लोग हैं, सबकी कमाई हो जाती है इतने सारे यहाँ पे, सबकी एक एक होती है। लेकिन अच्छा है आप लोग के सब यहाँ पर बड़ा इंतज़ाम, सब ने
मिंट मार्गरिटा और ये सब बड़ा अच्छा इंतजाम रखा है। दिस इज़ रियली नाइस। और मौसम के अच्छे होने की वजह से मैं आपको क्लैरिटी नज़र आ रही है हर चीज़ में। अच्छा, मैं आपको लेकर जाऊँगी फ्रेंच फ्राइज वालों पर। वो बताओ ना जो अफगानी सॉस है, रियल इंटरेस्टिंग, दिखाती हूँ। ऑलराइट, जो मैंने बताया आपको कि फ्रेंच फ्राइज एंड दे हैव सम अफगानी सॉर्ट ऑफ सॉस। अच्छा भाई, आपका नाम क्या है? मूसा। मूसा, मूसा आप जो हैं ये फ्रेंच फ्राइज का काम कब से कर रहे हैं? 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। अच्छा, ये सॉस कहाँ से आती है जो अभी बनाते हैं? खुद बना। मतलब ये आई हर्ड के ये अफगानी सॉस है। जी जी। तो इसमें क्या खास बात होती है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं? धनिया, लहसुन, कच्चे टमाटर, सबल मिर्च, सिरके। चलिए जैसे सॉस हम दिखाते भी आपको कि सॉस है कैसी। सॉस है ना ओके, इसको हिलाएंगे जरा, दिखाएंगे क्या है तस्वीर। और ये है, देखिएगा, एक दो मिनट रखे तो सही, इसको मैं दिखाऊँ तो सही कैसी सॉस। और ये सॉस है एंड दिस इज फ्रेंच फ्राइज। और ये सॉस फ्रेंच फ्राइज विद मिक्स जो है इसमें मसाले होते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार फ्राइज मिलते हैं। ये फ्रेंच फ्राइज मैंने कराची में नहीं खाए हैं, ये फ्रेंच फ्राइज मैंने ज़्यादातर जो है इस्लामाबाद में ही खाए हैं। एंड रियली इंटरेस्टिंग। लोग कहते हैं इस्लामाबाद के लोग बड़े बोरिंग होते हैं, आपको मैंने बोरियत दिखा दी। इस वक्त टाइम क्या हो रहा है भाई? 11 बज रहे हैं। और कितने बजे तक आप लोग यहाँ पर होते हैं? 12 बजे तक होते हैं। तो आप ख़ुद बता दें कि 11 बजे 12 बजे मतलब इतना रौनक, बारिश हो रही है फिर भी लोग निकले हुए हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली जिना सुप्पा जो F7 का मरकज़ है। अभी तो मैंने एक ही गली दिखाई है, बहुत यहाँ पर मज़े। लव द वे दे आर मेकिंग दिस बर्गर। चिकन क्लासिक खाऊँ, वैसे तो ये बीफ भी बहुत मज़ा आता है। ये बीफ में चिकन में पैटी के साथ ही है कीमे के साथ? चिकन मिली है, चिकन मिली है। देखने के बाद ये शक्ल आ जाती है। अच्छी वालों, आप लोगों से ज़्यादा अच्छा शोरमा अब इस्लामाबाद में आ गया है। ये तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट शोरमा, बहुत ज़बरदस्त आपने बनाया भाई, एक्सेलेंट, मज़ा आ गया खा के। हमने एक और बनवाया इसको। F7 पे आप आ जाएंगे ना, ये लीगल मेडिसिन के बिल्कुल सामने ही है जहाँ पे जूस स्टैंड वगैरह है। मेयो सॉस डाली, कैबेज, पिकल्स, मिक्स सैलेड, सैलेड ज़्यादा डालेगा तो मज़ा आएगा। और हैलोपिनोज भी ज़्यादा डालिएगा। एंड द हैलोपिनोज। दिन में कितना बेच लेते हैं तो माशाल्लाह अनगिनत, याद भी नहीं रहते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बस अच्छा है, गुजारा हो जाता है। मस्टर्ड सॉस, हॉट सॉस, ये भी खुद बनाते हैं हॉट सॉस? ये रेडीमेड होती है? नहीं नहीं, खुद बनाते हैं। ये भी खुद बनाते हैं? रेसिपी फिर अपनी होती है तो मज़ा आता है ना फिर। ओह भाई, ये देखिएगा अपनी बना तो आप ही बना। द बिगर बर्गर, यहाँ से हमने बर्गर खाया एंड इट वॉज वेरी नाइस एंड वेरी डिलीशियस। यस, व्हाट्स योर फीडबैक? कोई भी नहीं आ रहा। और मैं बताऊँ कि ना बहुत नीट किचन में, किचन में भी अंदर गई बहुत ज़्यादा साफ था, मुझे अच्छा इसलिए लगा। ये भी F10 में, F7 का एरिया है और बैक साइड है F7 में। तो ये देखिए यहाँ पे कुकिंग एरिया है ना, ये इतना साफ, भाई ने इतने साफ सफाई से पूरा बनाया था ना ये बर्गर, मतलब आई रियली लाइक इट। और इमरान ने मुझे बोला, कहते ये इधर का मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ का कुछ ना, मैंने कहा हाँ। हम एक और दुकान गए, मुझे इतना नीट नहीं लगा, लेकिन मुझे यहाँ का बहुत अच्छा लगा। हम थे यहाँ
ऑलराइट, ये आज जूस लैंड का आपको बताया मैंने, और यहाँ से मैंने फ्रूट चाट ये ऑर्डर किया। लुक एट दी फ्रूट चाट, साथ ही ये चटनी, और ये भी मैं ऑर्डर कर देती हूँ, पानी पूरी वाला पानी भी। बट आई लव दिस फ्रूट चाट। इमरान आपको कैसा लगता है यहाँ पर? मुझे बहुत पसंद है ये, खाना बहुत अच्छा। एक्चुअली इमरान इज़ द वन हु इंट्रोड्यूस मी टू जूस लैंड। तो क्या इसका कहना है, खाना अच्छा है? ठीक है, आई नो, नाउ वी कैन हैव दिस। चले इन्जॉय योर सेल्फ। और आज मैंने आपको बता दिया, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगा होगा। सिर्फ मैंने एक गली ही दिखाई आज आपको F7 मरकज़ की, पर यहाँ की रौनकें बहुत ज़्यादा हैं। इस वक्त 12 बज रहे हैं रात के, और हम बाहर बैठे हुए हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं इस्लामाबाद में। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग नाज़िया मलिक, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।